क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 और पार्ट है इसका फोर्थ। और यहाँ पे देखिए हम लास्ट पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे इस वाले पार्ट में। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन अगर नहीं किया तो कर लें, 2171 जुड़ चुके हैं। और आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे सर्च करना है जाके क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति, इस तरीके से आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक हेडिंग आपको दिखेगी। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, तीन टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक तो मीराबाई, ठीक है, गुरु नानक देव और कबीर, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो इसको हम देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मीराबाई की। तो मीराबाई जो है बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है, छोटा सा, इसको समझेंगे। और लास्ट में हम कबीर पढ़ेंगे क्योंकि कबीर एक बड़ा टॉपिक है। तो चलिए मीराबाई को समझते हैं। तो देखिए मीराबाई जो है ये भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती हैं। और इन्होंने भी अपनी, वैसे राजघराने से थी, लेकिन इन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ यानी जो महल वाला जो जीवन था उसको छोड़कर एक सन्यासिनी का जीवन अपनाया था। क्या कहानी थी इनकी, आप इसे ध्यान से समझिए। तो मीराबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी समय है इनका। ठीक है, मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में, अब आपको देखो बिल्कुल डीप नहीं जाना कि राजस्थान में कौन से गांव कहाँ पे हुआ था, बस स्टेट याद रख लो काफ़ी है। इनके पिता जो थे रतन सेन, और मीराबाई जो थी बचपन से ही इनको कृष्ण भक्ति जो थी उसमें लीन हो गई थी, कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, मीराबाई का विवाह जो था इनकी मर्जी के खिलाफ करवा दिया गया। ये विवाह नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर भी विवाह किया, करवाया गया मेवाड़ के सिसोदिया कुल में। राजघराने से थी, राजघराने में विवाह हुआ, मतलब सब कुछ अगर देखा जाए तो इनको महल में सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन इन्होंने कैसा जीवन अपनाया इसे आप देखिए। विवाह के बाद पति की आज्ञा की अवहेलना की इन्होंने, और मीराबाई ने पत्नी और माँ के जो दायित्व होते हैं उसको निभाने से क्लियर मना किया है, इनकार कर दिया। क्योंकि मीराबाई जो थी वो श्री जो श्री कृष्ण है उनको अपना एकमात्र पति स्वीकार कर चुकी थी। ठीक है, वो श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। एक बार क्या हुआ, उनके जो ससुराल वाले थे उन्होंने उनको जहर देकर, विष देकर मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो वहाँ से निकलने में या वहाँ से बच के निकल गई, सफल हो गई, वहाँ से निकल गई, एक घुमक्कड़ गायिका बन गई। और फिर देखो महल को छोड़कर इन्होंने वैसा जीवन अपनाया जो संन्यास वाला जीवन होता है। इनको बहुत ज़्यादा, मतलब आज के समय में भी इनको इनके जो रचनाएं गीत वगैरह हैं उसको गाया जाता है। इन्होंने अपने अंतर्मन, जो इनके अंदरूनी अंतर्मन की जो भावनाएं थी उसको व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। मीरा जो थी इनके गुरु रैदास माने जाते हैं, जो कि एक चर्मकार थे, आप ये कह सकते हो एक निचली कास्ट, और उस टाइम पे जाति व्यवस्था जो है वो आज के समय में भी है, ठीक है, निचली जाति मानी जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक आपको एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में तो आएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि मीरा जो थी उन्होंने रैदास को अपना गुरु बनाया जो कि एक निचली कास्ट से थे। तो यहाँ पे पता लगता है कि इन्होंने जाति प्रथा का जो भेदभाव था उसको नहीं माना। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझना है। इससे ज्ञात होता है कि मीरा ने जातिवादी परंपरा का विरोध किया या उसको नहीं अपनाया। मीराबाई ने राजमहल के ऐश्वर्य यानी राजमहल के अंदर जो सुख था उसको त्याग दिया और एक विधवा के रूप में सफ़ेद कपड़े धारण कर लिए, सफ़ेद वस्त्र, और सन्यासिनी की जीवन जो है, सन्यासिनी का की जिंदगी जो है उसको बिताया इन्होंने। ठीक है, तो ये था मीराबाई से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको देखो इतना ही पढ़ना था और इतना ही समझना था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है, बाकी पूरा टॉपिक टू टॉपिक आपको ले गया हूँ। यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बीच में से बना के, या कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो वहाँ पे दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फिलहाल तो आप थ्योरी की तरह समझो और बिल्कुल डिटेल में डीप एकदम समझो इन टॉपिक को। तो गुरु नानक जी के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये लास्ट पार्ट जो है 3 ही टॉपिक हैं, पर इन 3 टॉपिक का आने का पेपर में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। काफ़ी आप अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कबीर से, कभी मीराबाई से, कभी गुरु नानक से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए ये।
तो गुरु नानक जो थे इनका जन्म जो है वो हिंदू परिवार में हुआ था, और इनका जन्म जो था पंजाब के ननकाना। आपने तलवंडी अगर नाम सुना होगा, तलवंडी जो है उसके आसपास ननकाना गांव जो था वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उस समय में तो वैसे सारा भारत ही था, लेकिन वर्तमान समय में अगर बात करें ये ननकाना वगैरह तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा, इनकी जो मृत्यु हुई है ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु जो है वो करतारपुर में हुई है, और करतारपुर कॉरिडोर जो है चर्चा में रहता है, आप न्यूज़ वगैरह में आपने सुना होगा इसके बारे में। सिख धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं ये हैं गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक जो हैं वो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और निर्गुण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया। तो आपने पहले पार्ट में मैंने आपको दो भक्ति के प्रकार बताए थे, एक सगुण और निर्गुण। तो ये जो हैं गुरु नानक देव जी ये निर्गुण भक्ति के हैं। ठीक है, इनका विवाह जो था वो छोटी आयु में कर दिया गया, और इन्होंने अपना अधिकतर समय, ज़्यादातर समय कहाँ बिताते थे, सूफी संतों के पास, भक्त संतों के पास गुजारते थे, क्योंकि इनका भक्ति परंपरा में इनकी रुचि आप समझ ही जाओगे कि बचपन से ही, मतलब इनको जैसे माहौल में रहे हैं, जिनके साथ रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग इनके जो विचार और इनकी जो भक्ति परंपरा के प्रति रुचि थी वो बढ़ती गई। इन्होंने देश भर की यात्रा की है। ठीक है, और इनकी निर्गुण भक्ति का प्रचार करा है इन्होंने। धर्म के सभी आडंबर को अस्वीकार किया। धर्मों में जो विभिन्न प्रकार के आडंबर आ जाते थे, आडंबर ये जो प्रथाएं कुछ है, कुरीतियां कह लो, या फिर ढोंग ढपास भी बहुत सारा होता है, कुछ आडंबर जो धर्म में जुड़ जाते हैं उसको इन्होंने क्या किया, अस्वीकार किया। यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजन, कठोर तपस्या, इन सब चीजों को इन्होंने क्या बोला, गलत बताया। ठीक है, यही है हमारे आडंबर। कुछ लोग इनको, ये देखिए अब सभी धर्मों में ना अलग अलग प्रथाएं होती हैं, कुछ धर्मों में इनको बहुत बेहतर माना जाता है वो उनकी प्रथा है, कुछ धर्मों में इसको नहीं माना जाता बेहतर तो वो उनकी प्रथा है। तो इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं विभिन्न धर्मों में। तो आगे देखते हैं, हिंदू और मुस्लिम इनके धर्म ग्रंथों को भी इन्होंने नकार दिया। ठीक है, हिंदू और मुसलमान के जो धर्म ग्रंथ है इसको भी इन्होंने नकार दिया। ये परम पूर्ण रब का, जो रब है, जो ईश्वर है, उसका कोई लिंग का कोई लिंग नहीं बताते हैं। ठीक है, कहते हैं कोई लिंग ना कोई आकार था, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे कोमा आएगा, यानी कि ना तो परम पूर्ण जो रब है उनका ना तो कोई लिंग है ना ही कोई आकार है, यानी निराकार माना जाता है उन्हें। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि इनके जो गुरु होते हैं ना उन्हीं की पूजा की जाती है। तो उपासना का इन्होंने सबसे सिंपल नियम बताया कि किस प्रकार से, मतलब उपासना करनी चाहिए, उपासना का क्या नियम होना चाहिए। तो उपासना का नियम स्मरण करना या फिर नाम जपना, आप माला वगैरह देखते हो कि जपते हैं कुछ लोग, इस तरीके के इन्होंने बताया कि ये तरीका है, आप इस तरीके से पूजा पाठ या जो भी अपने परमात्मा को याद करना है ये तरीका अपना सकते हो। तो आप देखोगे कि विभिन्न धर्मों में पूजा पाठ के जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अलग होते हैं। इन्होंने क्या किया है, जो गुरु नानक जी थे इन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से रखे। अब ये शब्द क्या होता है, आप देखोगे कि ये कुछ गीत के रूप में गाए जाते हैं। ठीक है, आप गुरुद्वारे वगैरह में जाते होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा, और नानक जी यह शब्द अलग अलग राग में गाते थे, और इनके सेवक थे मर्दाना, उनका नाम था मर्दाना, वो रबाब बजाकर इनका साथ देते थे। रबाब क्या, एक वाद्य यंत्र है, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो, वो कुछ इस शेप में होता है इस तरीके से। ठीक है, और उसे बजाया जाता है। तो ये शब्द गाते थे अलग अलग राग में, और इनके जो शिष्य थे मर्दाना वो रबाब बजाकर इनका साथ देते थे। गुरु नानक जो थे इन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया, सामुदायिक उपासना, समुदाय बना लिया इन्होंने, एक ग्रुप बना लिया, और सामुदायिक रूप से कैसे, मतलब उपासना करनी है, पूजा पाठ जो भी इनके तरीके हैं उसके नियम निर्धारित किए इन्होंने। यहाँ पे सामूहिक रूप से पाठ होता था, यानी कई सारे लोग मिलकर पूजा पाठ करते थे, जो भी इनका तरीका था। गुरु नानक जो थे इन्होंने अपने अनुयायी अंगद, उसको अपने बाद गुरुपद पे आसीन किया। ठीक है, जैसे गुरु नानक जो थे ये पहले गुरु थे, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, इनके बाद जो दूसरे नंबर के जो गुरु बने हैं इनके उत्तराधिकारी आप कह सकते हो, वो अंगद बने। इसके बाद फिर इस तरीके से एक क्रम चलता रहा। तो मैं आपको दसों जो गुरु थे उनके नाम बताऊंगा, आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं, पर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये जो शॉर्ट पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि
सिखों के दूसरे गुरु कौन से थे, पहले गुरु तो गुरु नानक हो गए, तो उनके बाद कौन आए, अंगद आ गए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ये परंपरा जो थी लगभग 200 वर्षों तक ऐसे चलती रही, गुरु 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 बनते गए, इनके बाद कोई, फिर उनके बाद कोई, फिर उनके बाद कोई, इस तरीके से परंपरा चलती रही। गुरु नानक जी कोई नया धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, यानी कि कोई नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद जो अनुयायी थे इनके, हमेशा क्या होता है कि जब कोई गुरु की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद जो उनके अनुयायी होते हैं तो वहाँ से सिस्टम धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। तो इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों ने अपने आचार विचार इस प्रकार से बनाए जिससे ही अपने आप को हिंदू और मुसलमान दोनों से ही अलग चिन्हित करते थे। यानी कि इनके बाद जो इनके शिष्य थे उन्होंने कुछ ऐसे नियम बना लिए जिससे ना तो ये अपने आप को हिंदू और अपने आप को मुस्लिम, इन दोनों से अलग बताते थे। ठीक है, इसी तरीके से गुरु नानक नहीं चाहते थे कि एक अलग धर्म बने। आपको यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि वो अलग धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। लेकिन बाद में इनके जो अनुयायी आए, धीरे धीरे परंपरा बदली गई और बाद में सिख धर्म एक अलग धर्म बन के आया। ना तो ये अपने आप को हिंदू मानते हैं, ना ही अपने आप को मुस्लिम मानते हैं, या अपने आप को सिख मानते हैं और एक अलग धर्म की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रखते हुए चलना है। बहुत ही आसान है, सिंपल भाषा में मैंने साधारण भाषा में आपको समझाया है, आपको ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। पांचवें गुरु जो थे इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। इन्होंने बाबा गुरु नानक तथा इनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीरदास की वाणी और आदि, इन सब की वाणी जो थी आदि ग्रंथ में संकलित करवाई, इकट्ठा करवाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि अब आप कहोगे कि कबीर जो थे वो तो अलग थे, फिर उनकी बातों को क्यों रखा गया। वो इसलिए रखा गया कि जो बाबा फरीद थे, रविदास जो थे, ये संत रहे अपने समय में। ठीक है, इनकी जो बातें थी वो काफ़ी अच्छी बातें थी, उन अच्छी बातों को इन्होंने सम्मान दिया और आदि ग्रंथ में शामिल किया। इस पॉइंट को मेरे ध्यान में रखना, ये संत जो थे इनकी जो बातें थी इनको अच्छी लगी और इसको इन्होंने क्या करा, आदि ग्रंथ में शामिल किया। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है, हालांकि ये इनके वैसे वाले उत्तराधिकारी नहीं है, गुरु नहीं माने जाएंगे ये कि गुरु। ठीक है, गुरु इनके जो हैं 10ों में, आपको 10ों के नाम यहाँ पे दे देता हूँ, इनको ध्यान से देखिए आप। इसमें से ये A to Z आपको 1 से लेकर 10 गुरु बता दिए। इसमें से कौन कौन से गुरु जो है जो आपको ध्यान रखने हैं, पहले नंबर के, दूसरे नंबर के, अभी अंगद इनका भी हमने जिक्र करा, पांचवे गुरु अर्जुन देव जो थे इनका भी जिक्र करा, इसके बाद हमें 9वें गुरु और 10वें गुरु। ठीक है, ये टोटल अगर बात करें 5 गुरुओं का नाम हमें ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत अगर आप रख सकते हो तो। देखिए, तो 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे उन्होंने इनकी बातों को आदि ग्रंथ में संकलित करवाया और इनको गुरुवाणी या गुरुवाणी कहा जाता है। ठीक है, ये गुरु हो गए, इनका क्रम हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि जो 17वीं शताब्दी थी उसमें जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के थे, आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे लास्ट में आपको 10वें नंबर पे दिख रहे हैं, जो 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने 17वीं शताब्दी में जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी रचनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया। यानी अभी हमने क्या पढ़ा, आदि ग्रंथ साहिब जो था उसमें हमने पढ़ा कि कबीर की भी रचनाएं थी, रविदास संत की भी देखते हैं हम, बाबा फरीद इनकी भी देखते हैं, ठीक है, गुरु नानक इनकी रचनाएं सबकी थी। लेकिन ये जो 10वें गुरु थे इन्होंने 9वें गुरु जो गुरु तेग बहादुर थे उनकी रचनाएं भी इसमें शामिल करवा दी। ठीक है, इसके बाद इसको किस नाम से जाना जाने लगा, इसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। पहले क्या पढ़ा हमने, आदि ग्रंथ साहिब, अब क्या पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहिब, क्योंकि इसमें गुरुओं की, संतों की जो वाणी थी, जो उनके विचार थे उसको रखा गया था इसमें। गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ का मतलब होता है पवित्रों की सेना। अब ये देखिए, ये सेना और ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये आपको समझना है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या था, जो मुगल थे खासकर औरंगजेब, उनका जो, उनकी जो नीति थी वो काफ़ी ख़राब थी। आपको पता होगा कि औरंगजेब ने ही जो 9वें गुरु हैं इनकी हत्या की थी और इनसे जबरन इस्लाम कबूलवाने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस्लाम नहीं कबूला तो इनकी जो गर्दन थी उसको कटवा दिया गया और वो दिल्ली में शीशगंज नामक जो स्थान है वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे इनकी गर्दन गिरी थी, इसीलिए वहाँ पे एक गुरुद्वारा बनाया गया, शीशगंज गुरुद्वारा जो है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो जब औरंगजेब और जब ये वाली स्थिति आ गई थी कि वो इनकी हत्या कर रहे थे, तो ऐसे में जो ये गुरु गोविंद सिंह थे इनको महसूस हुआ कि सिख धर्म को अगर आगे बचाना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक अपने सेना बनाने की, तो इसीलिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है जो जो मैं आपको बता रहा हूँ।
इनके जो सिख धर्म होते हैं, इनके 5 प्रतीक होते हैं, ठीक है। बिना कटे केस यानी बाल वगैरह नहीं कटवाते, कृपाण, आप देखते हो कि एक एक छोटा सा चाकू टाइप का होता है, चाकू या फिर तलवार के बीच आप कह सकते हो इस तरीके का, वो रखते हैं अपने साथ कृपाण। कच्छ मतलब होता है कच्छा, और कौन कौन पहनता है कमेंट में बता दें, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में आता है कंघा, कंघा भी आप जानते हो, और फिफ्थ में आता है कड़ा। तो ये 5 जो हैं, इनसे रिलेटेड 5 प्रतीक हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स के पूछेंगे तो क्या पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, ये बिल्कुल दिमाग में डाल लो। 5 प्रतीक आपसे पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है 5वें गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, ठीक है, 10वें गुरु कौन थे, स्थापना किसने की, मतलब ये सिख धर्म की, तो ये गुरु गुरु नानक वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी में तो आपको सारा समझा दिया लॉन्ग में, लेकिन 1 मार्क्स के लिए आपको डीप पढ़ना है बिल्कुल। और ये हो गया हमारा गुरु नानक और मीराबाई, 2 टॉपिक हो गए। अब तीसरा है हमारा कबीर, इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। कबीर को ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो तीसरा टॉपिक है काफी बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में कराया है। तो कबीर के बारे में देखते हैं। कबीर जो थे एक महान संत और एक समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ है। कबीर के बारे में बहुत सारी जो जानकारी मिली है उसमें एक सियोरिटी कुछ भी नहीं है कि मतलब सत्य, ये सत्य है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ कि ये महान संत माने जाते हैं, वाराणसी में इनका जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो माता जी थी वो एक विधवा महिला थी, ठीक है, उनके द्वारा इनको जन्म दिया गया था, और लाज शर्म लोक लज्जा के कारण उन्होंने इनको छोड़ दिया, और इन्होंने ऐसा माना जाता है कि लहर तारा नदी जो है उसके पास इन्होंने छोड़ दिया था। और एक जुलाहा दंपति थे, कपल थे नीरू और नीमा, ठीक है। ये जो थे इनकी कोई संतान नहीं थी, ऐसा माना जाता है कि इनकी कोई संतान नहीं थी। ये वहाँ पे गए उस नदी के आसपास, तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि कमल के फूल में, स्टोरी है देखिए, ऐसा माना जाता है कि कमल के फूल में एक बच्चा जो है वो रखा गया है। तो और वैसे तो ये नी संतान थे, इनके बच्चे थे नहीं, तो इन्होंने क्या करा, उस बच्चे को वहां से उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। तो यहाँ से एक कहानी ये मानी जाती है कि जो कबीर थे इनका जन्म जो हुआ था वो हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन इनको जो पाला गया या पालन पोषण किया गया वो मुस्लिम परिवार के द्वारा हुआ, ऐसी एक कहानी भी है, ठीक है। लेकिन कितनी श्योर है ये चीज़ें हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मतभेद हैं इतिहासकारों में इन बातों को लेकर। तो ये जो कबीर थे इनके थोड़े विचार और इनको समझिए, क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को खूब अच्छे से उधेड़ा है, और ऐसा उधेड़ा है कि मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कुछ कविताएं भी हैं इनकी, ठीक है। आडंबर जो होते थे दोनों धर्मों में, उसके बारे में इन्होंने खुल के उसकी आलोचना की है। इन्होंने परम सत्य जो होता है उसको वर्णित करने के लिए कई तरीके का सहारा लिया। परिपाटी भी आपकी बुक में लिखा मिलेगा, परिपाटी का मतलब ही प्रथा तरीका होता है, कई तरीकों का सहारा लिया। कबीर जो थे इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने सत्य को अल्लाह खुदा हजरत और पीर नाम दिया, यानी सत्य को या अल्लाह खुदा हजरत पीर कहते थे। यहीं दूसरी तरफ देखें तो वेदांत से ये बहुत ज्यादा दर्शन से प्रभावित थे, तो इन्होंने सत्य को अलख यानी अदृश्य, ना दिखने वाला, निराकार जिसका कोई आकार ना हो, इस तरीके का दिखाया। कुछ कविताएं जो हैं इस्लामी दर्शन में एक ईश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करती हैं। कुछ कविताएं ऐसी मिली है कबीर की जो एक ईश्वरवाद को समर्थन करती है और मूर्ति भंजन यानी मूर्ति को तोड़ना, मूर्ति को नष्ट करना, इसको समर्थन करती है। लेकिन कोई सियोरिटी नहीं है इस बात की कि ये रचनाएं जो हैं कबीर के द्वारा लिखी गई हों, क्योंकि कबीर जो है ऐसा माना जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो भी बातें, जो भी उपदेश देते थे वो मौखिक देते थे, और उनकी बातें मौखिक रूप से इधर से उधर पहुंच गई थी। उनकी मृत्यु के बहुत लंबे समय के बाद, मृत्यु के काफी वर्षों के बाद उनके विचारों को, उनकी बातों को लिखा गया, संकलन किया गया, ठीक है। तो आगे बातें करते हैं, ये मुस्लिम धर्म के बारे में यहां पे देख लें। हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में जो बहुईश्वरवाद है यानी एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है, और जो मूर्ति पूजा की जाती है इसका भी इन्होंने खंडन किया है, ठीक है। ये जो कविताएं हैं इनकी वो इसका भी खंडन करती हैं। कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी जो धार्मिक सामाजिक परंपराएं हैं, जो विचार हैं, ठीक है, उनको प्रश्नवाचक के नज़रिए से देखते हैं। रूढ़िवादी जो चीज़ें थी उसका इन्होंने बिल्कुल विरोध किया। हिंदू धर्म में भी कुछ चीज़ें थी और मुस्लिम धर्म में भी कुछ चीज़ें थी, उन दोनों में जो रूढ़िवादी चीज़ें थी उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया। और ऐसा भी माना जाता है कि उनको इस चीज़
के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों की तरफ से धमकियां भी मिलती थी। ठीक है, ये पूरी कई सारी अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी लिखे। कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु जो थे रामानंद थे, ऐसा माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कबीर जो है इनके गुरु कौन थे, तो आपको ये बिल्कुल याद रखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है हिंदू परिवार में जन्मे थे और इनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था, पढ़े लिखे नहीं थे। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ पॉइंट, ये आपको ध्यान रखने हैं। कबीर की जो बातें थी, इनके जो विचार थे, उनको जिसमें लिखा गया, जहाँ पे संकलन किया गया, उस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? बीजक नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी कबीर की बातों को बीजक नामक जो ग्रंथ है उसमें स्थान दिया गया, और कबीर को जो मानने वाले लोग हैं वो कबीरपंथी कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी इस तरीके से था कि कबीर जो थे, ऐसा माना जाता है कि इनकी एक स्टोरी है कि कबीर ने अपने 4 शिष्यों को अलग अलग 4 स्थानों पर भेजा और अपने विचारों को मतलब अपने उपदेशों के साथ कि उपदेश दें, तो वहीं से उनके शिष्य जो थे अलग अलग जगह पे गए। एक छत्तीसगढ़ चले गए, एक यूपी में चले गए, कुछ राजस्थान में चले गए, कुछ गुजरात में चले गए। वहाँ पे फिर उन्होंने समुदाय बनाया, संगठन बनाया, और लोगों ने इनकी बातों से प्रभावित होकर कबीर पंथ को अपनाया। ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं। तो बीजक जो है कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी यानी कि यूपी की बात करें तो यहाँ पे संरक्षित की गई है, रखी गई है। कबीर ग्रंथावली की बात करें तो ये राजस्थान में दादू पंथियों से हैं। अब दादू दयाल नाम के एक दादू पंथी कौन होते हैं इसे समझिए। दादू दयाल नाम के एक संत कवि वगैरह होते थे, काफ़ी विद्वान थे, उनसे भी बहुत सारे लोग प्रभावित थे, जो उनको अपना गुरु की तरह मानते थे, वो दादू पंथी कहलाते थे। तो कबीर की बातें जो है ना बहुत जगह लिखी गई है, बीजक में लिखी गई है, ठीक है, जिसको उत्तर प्रदेश में संरक्षित किया गया है। कबीर ग्रंथावली के नाम से जो दादूपंथी जो राजस्थान के हैं वहाँ पे मिलती हैं इनकी बातें, और आदि ग्रंथ साहिब में, अभी हमने जब सिख धर्म पढ़ा था तब आपको याद हो वहाँ पे भी पढ़ा था कि कबीर के विचारों को आदि ग्रंथ साहिब में भी जगह दी गई है। इन सब का संकलन जो हुआ है कबीर की मृत्यु के बहुत लंबे समय के बाद हुआ है, तो कितना सत्य होगा इसमें से ये नहीं कहा जा सकता प्रमाणित, क्योंकि इतिहासकारों को इस बात को लेकर मतभेद है। यहाँ तक कि इतिहासकार को इस बात को लेकर भी मतभेद है कि कबीरदास के गुरु जो थे वो रामानंद थे, इस पे भी मतभेद है, क्योंकि रामानंद और इनके अगर समय काल को देखें तो वो काफ़ी मतलब उसमें डिफरेंस दिखता है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है 4th पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट जो है हमारा ख़त्म हो गया है, और ये जो चैप्टर है हमारा 6, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।